तो वेलकम गाइज। तो गाइजर आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 सीक्रेट प्रो सेटिंग के बारे में, जो कि इन सीक्रेट सेटिंग को काफी सारे लोग नहीं जानते हो। अगर आप चाहते हो कि एक प्रो प्लेयर की तरह आप भी प्रो बंदा कहलाओ तो गाइज मैं टॉप 10 सीक्रेट सेटिंग बताऊंगा। इन सेटिंग को आप लोग को जरूर से करना चाहिए। और गाइज आप लोग को लग रहा है ना कि आवाज मेरा दबा दबा सा, तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रहा है और इस वजह से जो है मेरा वीडियो लेट लेट से भी आ रहा होगा। बाकी गाइज थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, जैसे ही मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। बाकी गाइज आज का वीडियो देखने के बाद आप प्रो नहीं एक्स्ट्रा प्रो जरूर से बन जाओगे, क्योंकि गाइज ये जो सीक्रेट सेटिंग है इन सीक्रेट सेटिंग को सभी बेहतरीन बेहतरीन प्रो प्लेयर भी यूज करते हैं। और इन सेटिंग को करने के बाद आपका मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाएगा, साथ ही आपका हेडशॉट में काफी ज्यादा इंक्रीज भी होगा। तो ओके गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। तो ओके गाइज फर्स्ट सेटिंग आपको करना है मूवमेंट में। मूवमेंट में आपका एक सेटिंग मिलेगा रन मोड। इस मोड में तीन ऑप्शन है, क्लासिक, ड्रैग और मिक्स्ड। इस सेटिंग को हमेशा ही आप मिक्स्ड पर सेट करना। इससे क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ विस्तार से। एक तो आप रन बटन दबाकर भी आप रन कर सकते हो इस तरह से, दूसरा जॉयस्टिक को ऊपर की ओर दबा के रखने से भी आपका रन पर क्लिक हो जाता है, इससे आपका मूवमेंट में बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो ओके गाइज अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। अपना नेक्स्ट सेटिंग भी आपका कंट्रोल सेटिंग में मिलेगा। आपको विजुअल के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा कर्सर टाइप, इस सेटिंग को आप न्यू पर सेट कर देना। देन डैमेज इंडिकेटर को भी आप न्यू पर सेट कर देना। और सबसे नीचे होगा हिट मेकर, इस सेटिंग को भी आप न्यू पर सेट कर देना। ऐसे मेरे ख्याल से आप लोग को जरूर से पता होगा इस सेटिंग से क्या होता है। बट गाइस इन सेटिंग से एक चीज और होता है, आपका हेडशॉट में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो मानो या ना मानो एक बार ट्रेनिंग जरूर से खेलना चाहिए। अब नेक्स्ट सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में करना है, क्योंकि इसी सेटिंग के वजह से आपका मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपका हेडशॉट में भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आपके फोन का डीपीआई सेटिंग, यानी स्मॉलेस्ट बिट। फोन का डीपीआई सेटिंग आपके फोन के डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिलता है। और फोन का डेवलपर ऑप्शन कैसे खुलता है मैंने पिछले कुछ वीडियो में बता रखा है, जाके चेक जरूर से करना। देखो गाइस अपने फोन का डीपीआई को बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपका फोन भी क्रैश कर सकता है। इसलिए आपका डीपीआई अगर बाय डिफॉल्ट 300 पर सेट है तो आप उसको 400 कर देना। देखो सभी फोन का अलग अलग डीपीआई होता है। मान लो आपका अगर 2GB रैम का मोबाइल है तो आपका हो सकता है कि 300 या 200 डीपीआई होगा, तो उसको आप 100 बढ़ा देना। इससे आपका फोन में कोई खराबी भी नहीं होगा और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। तो ओके गाइस बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। नेक्स्ट सेटिंग आपके गेम के डिस्प्ले सेटिंग में आना। स्मूथ पर सेट करने के बाद आप अगर हाई FPS को सेट करने जाओगे तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन आता है, और सेम टू सेम स्टैंडर्ड पर सेट करोगे फिर आप हाई पर सेट करोगे तो आपको इस तरह का ही नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, और वहीं पर आप अल्ट्रा पर सेट करने जाओगे तो आपको कुछ अलग ही दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मेरा अल्ट्रा पर सेट है और मैं हाई FPS पर हाई पर सेट करने जाऊंगा तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन आएगा। जिस मतलब कि गाइस अल्ट्रा पर सेट करके अगर आप हाई FPS को हाई पर सेट करोगे तो आपका गेम में काफी कम लैग देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपका बैटरी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगा। तो आई होप कि गाइस आपको सारा कुछ समझ में आ गया है। मैं मिलता हूँ ऐसे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।